हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आरके इनोवेटिव यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में साउनी का एक नोटबुक अल्ट्रा प्रो, यही आज हम आपके सामने अनबॉक्सिंग करेंगे। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करके बढ़ते हैं वीडियो में। लेकिन अनबॉक्सिंग करने से पहले आपको मैं दिखा दूँ इस बॉक्स का जो भी डिटेल्स है, यहाँ पर इसका सारे डिटेल्स ये है। पीछे में कुछ इस तरह से दिया गया है और इधर अपोजिट साइड में कुछ इस तरह से है। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करके इसे अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है और ये जो डिवाइस है कैसे है दिखने में, और आप जो इस प्राइस में इसे परचेस करेंगे ये आपके लिए फायदेमंद होगा और ये होगा या नहीं होगा, और इसी प्राइस में कहीं और दूसरे ब्रांड का कोई प्रोडक्ट लेते वो ज़्यादा अच्छा होगा, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन चलिए बदलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी अनबॉक्सिंग ये बॉक्स जो है ये ओपन किया हुआ है, क्योंकि इसे मैंने अमेजन से लिया है और ये डिलीवरी बॉय जो है इसे ओपन करके चेक करके दिए हैं बॉक्स को, ताकि अगर फिजिकली डैमेज है या नहीं, तो इसलिए मैं आपको, तो जैसे कि आप देखते हैं इसके अंदर में और कुछ ये रहा, ये दो चीज और इसके साथ में ये एक यूजर मैनुअल है, साथ में ये बॉक्स इसमें है कुछ नहीं, इसे अभी हम साइड में करते हैं। और ये रहा इसका यूजर मैनुअल, अगर हम इसे ओपन करते हैं तो बहुत ही छोटा है, कॉम्पैक्ट है, बहुत कुछ ज़्यादा दिया नहीं है। इसका जो सेटअप मैनुअल दिया गया है बहुत छोटा है, कॉम्पैक्ट है, मतलब बहुत काफ़ी अच्छे हैं, अननेसेसरी थिंग इस पेपर के ऊपर कुछ है नहीं। तो चलिए इसे हम रखते हैं, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसका जो मेन प्रोडक्ट है, तो इसे भी हम इसे हटाते हैं, कवर खोल के एक बार दिखाते हैं आपको। अगर हम बात करें इसका वेट का, तो वेट काफ़ी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है नॉर्मल लैपटॉप के हिसाब से। अब चलिए हम इसे एक बार इस प्लास्टिक से बाहर करते हैं और एक बार देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम लुक दिया गया है, अगर आप बोलेंगे तो एक बहुत ही अच्छा हाई बजट का जो हम सिस्टम लैपटॉप बोलेंगे, नोटबुक बोलेंगे, अगर आप एक बार देखेंगे और हम यहाँ पे इस ब्रांड को अगर हम यहाँ पे हाइड कर देते हैं तो अगर आप किसी को दिखाएंगे तो 90% आदमी यहाँ पे आपको बताएंगे कि ये एप्पल का प्रोडक्ट है। इसका जो गेटअप है, जो लुक है, आप देखिए पीछे की तरफ में, सामने की तरफ में सावनी का ब्रांडिंग किया गया है, साइड में कुछ ऐसा है, आगे की तरफ में आप देख सकते हैं ये चीज़, और अपोजिट साइड में यहाँ पीछे के साइड में कुछ है नहीं। तो ये जो लैपटॉप है पीछे के साइड में देखिए, अगर हम इसे यहाँ पे करते हैं तो वो ब्रांडिंग है, और यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ खराबी है जो हम बोल सकते हैं, ये जो दिया गया है, ये तो स्पीकर भी बोल सकते हैं या तो कूलिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो गया, अगर आप इसे लैब में लेके यूज़ करते हैं या तो गोदी में या तो बेड पे, तो सर्कुलेशन जो वेंटिलेशन का जो बात है वो थोड़ा कम है यहाँ पे, और आप कहीं गोदी में लेके यूज़ करते हैं तो आपका जो लैप है इससे आप थोड़ा हॉट फील करेंगे। और देखिए इसका जो स्क्रू दिया गया है एकदम जो मैकबुक के जो सिस्टम देते हैं जिस जो स्क्रू टाइप है उसी टाइप का लुक में आप देख सकते हैं, एकदम प्रीमियम लुक है, मेट फिनिश में है, ग्लॉसी नहीं है। और चलिए अब हम इसके साथ में कुछ है नहीं और इसका जो इस बॉक्स में देखते हैं, नॉर्मली ये तो चार्जर है तो कुछ है नहीं, तो ये रहा इसका पावर केबल और ये रहा इसका, और ये टाइप सी चार्जर है आप देख सकते हैं। तो टाइप सी चार्जर मतलब एक तो अच्छा बात, अच्छी बात ये है कि अगर आपके पास कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और गाड़ी में आपका टाइप सी चार्जर है तो आप उससे भी चार्ज कर सकते हैं। तो यही है बॉक्स में, अब इसे हम ओपन करते हैं और इसका जो फील है वो दिखाते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं इसका जो क्या क्या इसमें ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए एक HDMI पोर्ट है और एक USB पोर्ट है, दो टाइप सी पोर्ट यहाँ पे दिया गया है जो कि एक चार्जिंग का साइन है और दूसरी तरफ देखिए यहाँ भी एक टाइप। तो चलिए अभी ज़्यादा लेट नहीं करके इसे हम अभी ओपन, इस लेट को ओपन करते हैं और इसका जो अंदर का लुक है इसे आप हमको दिखाते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे इसका जो ओपनिंग एक
नोच दिया गया है, इसे हम अभी एक अंगुली से ओपन करके देखते हैं ये होता है या नहीं। ओहो वाह, काफ़ी अच्छा काफ़ी अच्छा। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ हमने इसे एक अंगुली में ओपन किया है। तो चलिए और एक बार ट्राई करके आपको दिखाते हैं। एक बार भी लैपटॉप कहीं भी हिला नहीं और इसे हम आसानी से एक अंगुली से इसे हम ओपन कर चुके हैं। मतलब अगर आप हम बताएं, ये चीज़ आज तक हम पहले सिर्फ एप्पल का प्रोडक्ट में ही देखे हैं, एप्पल का जो लैपटॉप है उसमें ही हम देखे हैं। और इस रेंज के लैपटॉप में जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगा, जो इसका जो बैलेंसिंग वेट का जो बैलेंसिंग है काफ़ी अच्छा किया गया है। तो ये एक अच्छा एट्रैक्टिव वर्क स्वामी ने किया है। इसके साथ में ही अगर हम ओपन करते हैं तो इसका जो की पैड का जो गार्ड है ये है, और इसे हमें भी हटाते हैं। हटाने के साथ साथ ही एक शब्द तो जरूर आएगा, वाव। मतलब अगर आप इसे एक बार में देखेंगे और अगर आप Xiaomi का लोगो नहीं देखेंगे तो कोई भी बता पाएगा कि ये एक इसका जो की पैड है ये देखिए एकदम, आप बताएंगे तो ये मैकबुक का की पैड जैसा ही लग रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे। लुक वाइज एकदम सामने में देखिए इसका जो टच पैड है काफ़ी बड़ी है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका स्क्रीन का। तो स्क्रीन भी काफ़ी अच्छा है जो कि 15.6 इंच का दिया गया है। और बेजल का बात करें तो बेजल काफ़ी एकदम मिनिमम के बाद अगर हिसाब के यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए अब हम इसे लेट नहीं करके इसे पावर देके ऑन कर लेते हैं। पावर में कनेक्ट करते हैं, स्विच को ऑन किए, और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइप इसका जो केबल है टाइप सी, इसे अभी हम कनेक्ट करते हैं। ये रहा टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, अब इसे हम एक बार पावर को ऑन करते हैं। इसका जो कीपैड है बैकलिट कीपैड है, जैसे ही मैंने पावर बटन को प्रेस किया तो आपने स्क्रीन में इसे फ्लैश होते हुए देखा। अब वेट कर लेते हैं एक बार। ये रहा इसका कीपैड वाइट बैकलिट के साथ, MI का जो लोगो है ये स्क्रीन में आ चुका है। और चलिए इसे अभी हम फटाफट सेटअप कर लेते हैं, और थोड़ा सा लेंदी होगा वीडियो, लेकिन हम कोशिश करते हैं एक ही वीडियो में इस प्रोडक्ट को आप कैसे सेटअप करेंगे अगर आप नए परचेस कर रहे हैं तो सारे चीज़ के बारे में, तो बने रहे इस वीडियो में। तो चलिए यहाँ पे फटाफट हम इंडिया को, ये जो है आप रीजन चूज़ करने के लिए बोल रहा था, हम इंडिया को चूज़ करेंगे। और इसके बाद ये कीबोर्ड के बारे में पूछ रहे हैं, तो हम इन दिस राइट कीबोर्ड लेआउट इनपुट मेथड इंग्लिश इंडिया की है। इसके बाद वी वांट टू सेकंड कीबोर्ड हम नहीं करेंगे, अगर आप चाहते हैं तो दूसरा कर सकते हैं, हम यहाँ पे स्किप किए। इसके बाद ये वाईफाई के बारे में पूछ रहा है, तो मेरे पास जो है वाईफाई ऑलरेडी है। तो चलिए मेरे जो वाईफाई कनेक्शन है इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं पासवर्ड वाले के साथ। और कनेक्ट हो चुका है, अब हम इसे नेक्स्ट में क्लिक करेंगे और देखते हैं। अच्छा तो मैं एक बार ठीक से बता दूँ, ये जो लैपटॉप है ये i5 11। तो ये रहा कुछ इसका लाइसेंस एग्रीमेंट, इसे हम एक्सेप्ट करते हैं और बढ़ते हैं आगे। पूछ रहा है लेट्स नेम योर डिवाइस, दैट मीन्स यू कांट ओनली 5 नंबर। तो इसे मेरा डिवाइस का नाम हम एक बार दे देते हैं, आप अपने हिसाब से जो भी नाम आप डालना चाहते हैं इसे आप डाल सकते हैं। डालने के साथ हम नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। छोटे इसका जो बड़ी है आप इसे, तो यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का जो अकाउंट है ये होना कंपलसरी है, अगर नहीं है तो आप क्रिएट कीजिएगा, अगर है तो इसे यहाँ पे इनपुट करके सिस्टम में आप लॉगिन कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे मेरा जो भी अकाउंट था हम यहाँ पे दे डाल चुके हैं और सिस्टम लॉगिन हो चुका है। अब आगे देखते हैं क्या डिटेल्स ये पूछता। तो यहाँ पर आपको बता दूँ ये दोस्तों रहा फिंगरप्रिंट सेंसर है, और ये रहा टच पैड। और जब आप इसे इंस्टॉल कर रहे हैं तो कंफर्म कीजिएगा आपका जो वाईफाई है
या अनलिमिटेड रहे, आपके मोबाइल के साथ हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट करके इसे मत कीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज 11 करेगा, तो इसे हम नेक्स्ट करते हैं। और इसे करने के लिए आपका जो डेटा है कहीं ना कहीं ज़्यादा यूटिलाइज हो सकता है। इसका जो डिस्प्ले है काफ़ी अच्छा है दोस्तों, मेरा जब फ़ोन के वजह से आप यहाँ पे डिस्प्ले थोड़ा कुछ धुंधला सा दिख रहा है, लेकिन अदरवाइज अगर हम इसका जो फील है कहीं ना कहीं प्रीमियम फील आपको कराता है इसका डिस्प्ले। मेरे मोबाइल फ़ोन के वजह से हम आपको इसका जो ओरिजिनल लुक है नहीं दिखा सकते क्लैरिटी, अदरवाइज लुक वाइज इट इज़ सुपर्ब। अगर आप फर्स्ट टाइम इसे ओपन करते हैं तो वो कम से कम 15 से 20 मिनट तो मेरा टाइम चला गया है, अभी तक पीसी रेडी हुआ नहीं है यूज़ करने के लायक। चलिए अब देखते हैं, या ऑलमोस्ट देयर, यस कम से कम मिनिमम 15 से 20 मिनट अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो, अगर नहीं है तो उसे क्रिएट करने में आप मैक्सिमम और 5 मिनट पकड़ सकते हैं, 5 to 10 मिनट, मतलब मिनिमम 30 मिनट आपको लगते हैं ये पीसी रेडी करने के लिए। ओके, तो चलिए अब हम इसे, मेरा जो स्क्रीन है आ चुका है। देखिए डिस्प्ले का बात करें तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका डिस्प्ले, प्रीमियम लुक है, कोई ग्लॉसी लुक नहीं है, मेट फिनिश दिया गया है, 2 रिफ्रेश रेट के साथ आता है ये, 48 एंड 64 के साथ। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये 64 का है रिफ्रेश रेट के साथ है, जस्ट मेरे मोबाइल फ़ोन के लिए, हो सके आप इसका जो डिस्प्ले का लुक है समझ नहीं पाए, लेकिन ओरिजिनल का बात करें तो काफ़ी अच्छा इसका लुक। यहाँ पे कुछ भी कॉन्फ़िगर करने से पहले आपका जो विंडोज़ का जो की है ये आपको एक्टिवेटेड होना ज़रूरी है, मतलब कुछ भी पर्सनलाइज कर चाहते हैं तो सबसे पहले आपका जो विंडोज़ का की है इसे आप पहले एक्टिवेट कीजिएगा, और फिर बाद में जैसे कि मैंने थीम में क्लिक किया, और अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये जो डेस्कटॉप आइकन का सेटिंग है, आप यहाँ पे आपका डेस्कटॉप में जो भी आइकन आपको चाहिए आप इस आइकन में क्लिक करके इसके बाद अप्लाई एंड देन ओके में क्लिक कर सकते हैं। टोटल 500 GB का SSD है, तो 2 पार्टीशन यहाँ बना है विंडोज़ पे, एक है 146 जिसमें विंडोज़ का सी ड्राइव, और दूसरा आपको यूज़ करने के लिए, मतलब आप यहाँ पे चाहते हैं तो और आपके हिसाब से और भी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 2 पार्टीशन ही बना हुआ है। इसके साथ में हम बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन था स्टूडेंट वर्सन का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो प्रोडक्ट है ये प्री इंस्टॉल है, तो चलिए इसे भी अभी हम ओपन कर लेते हैं और न्यू ब्लैंक में हम पेज में, और यू हैव गॉट ऑफिस देन नेक्स्ट में क्लिक करेंगे और एक्टिवेशन के लिए वेट कर लेंगे। आप जब फर्स्ट टाइम इसे करेंगे तो यहाँ पे कुछ माइक्रोसॉफ्ट का टर्म्स एंड कंडीशन हम कंफर्म में क्लिक किए और एक्टिवेशन के लिए वेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए अभी फाउंड योर प्रोडक्ट एंड ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2021 जो कि यहाँ पे मेंशन था बॉक्स के ऊपर में, तो ये यहाँ भी कंफर्म करने के लिए पूछ रहा है और वेट कर जाते हैं इसे एक्टिवेट होने के लिए, और यहाँ पे सक्सेसफुल एक्टिवेशन हो चुका है। तो चलिए हम अभी गेट स्टार्ट में क्लिक करके एक बार यहाँ से भी आप, उसके बाद यहाँ पे मुझे एक्सेप्ट में क्लिक करना है और फाइल में क्लिक करके एक बार हम देख लेते हैं मेरा जो वर्जन है। तो आप देखिए ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टूडेंट वर्जन एंड प्रोडक्ट कंटेंट एक्टिवेटेड यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये रहा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विंडोज़ का जो वर्जन है, हम यहाँ भी आपको दिखा देते हैं प्रॉपर्टी में क्लिक करके विंडोज़, आप देखिए विंडोज 11, देखिए प्रोसेसर यहाँ पे है i5 11 जनरेशन 3.10 GHz का, इंस्टॉल रैम है यहाँ पे 16 GB, और सिस्टम टाइप 64 GB का है, 64 बिट का है। और इसके साथ अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए विंडोज़ 11 होम सिंगल लैंग्वेज, और ये एक्टिवेटेड कॉपी है, मतलब आप यहाँ पे कुछ भी काम करते हैं तो आपको पहले एक्टिवेट करना ज़रूरी होता है।